वेलकम टू माई चैनल शॉन द राइडर वंस अगेन। तो आज है 24 जून, सुबह के लगभग 6:15 बज रहे हैं और मैं अब तक की अपनी सबसे लंबी सोलो राइड पे निकल चुका हूँ। फिलहाल मैं खड़ा हूँ करनाल बाईपास पे और इस बार मैंने इस बाइक पे बहुत ज़्यादा सामान डाल दिया, लिटरली बाइक को मिनी ट्रक जैसा बना दिया। और शुरू में थोड़ा डर लग रहा था कि इतना सामान लेके बाइक को कैसे रन करूँगा, बट ठीक है। पर बाईपास अभी रुका था बेसिकली अपने सामान को दोबारा से ट्राई करने के लिए, क्योंकि सामान बहुत 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 ज़्यादा है। और आज मेरा टारगेट है दिल्ली से रामपुर तक जाने का, तो लगभग 450 किलोमीटर से ऊपर मुझे आज बाइक राइड करना है। तो टारगेट रहेगा कि इवनिंग होते तक और सनसेट होते तक मैं रामपुर पहुंच जाऊं। तो एक बार अपनी बाइक दिखा देता हूं कि मेरी बाइक पे कितना सामान है, उसके बाद यहां से फिर हम लोग आगे मूव करेंगे रामपुर के लिए। तो वही बाइक को ये बना दिया मैंने पूरा मिनी ट्रक, पीछे में बहुत सारा सामान है। एक बैग इधर है, एक बैग ये रहा, टॉप बॉक्स पहले लगा हुआ था और उसके बाद एक बैग जहाँ पर है, और पीछे वाले साइड पे दो कैंस रखे हैं क्योंकि मनाली काजा वाले रूट पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, तो मुझे एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ एक बैग मैं अपने चेस्ट पे कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक में अब और जगह बची नहीं है सामान को रखने के लिए। तो बस अब वक्त है यहाँ से निकलने का और अब कोशिश रहेगी कि अम्बाला के बाद एक ब्रेक लूँगा ब्रेकफास्ट के लिए, और टारगेट रहेगा कि इवनिंग होते तक मैं आज रामपुर पहुँच जाऊँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे के लिए। शायद गाय की चोट लगी है, कोई गाड़ी वाला मार गया। अब गाड़ी वाले चलते अंधाधुंध बिना देखे हुए, भाई चलो बट बेजुबान जानवरों का सबको तो कम से कम ध्यान रखो। गाड़ी वाला मार गया क्या? चलो। तो भाई लोग बाग सड़क पर देख के चलें तो बेहतर है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है यार। अपनी स्पीड और जल्दी पहुंचने के चक्कर में किसी बेजुबान को हार्म ना करें तो बेटर होगा। चल बेटा चल 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 चल। तो इसके पीछे वाले पाँव में भी चोट लगी है, गर्दन पे भी चोट लगी हुई है, लोग लिटरली अंधों की तरह चलते हैं भाई। अपना जल्दी पहुँचने के चक्कर में बस दूसरों की बैंड बजा दो। आगे से देना, पानी मिल जाएगा। चल 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 चल, खा ले। अंकल भी कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह से हाईवे से नीचे उतर जाए, बट उतर जाएगी, ठीक है, उतार देंगे थोड़ा सा सड़क पे और गाड़ियों के टकरा के मरने से बच जाएगी। तो फ्लाईओवर से गाय को काफ़ी नीचे तक उतार दिया है, अब वो दो अंकल लोग अभी और लगे हुए हैं तो उतार ही देंगे। 10-5 मिनट तो आराम करेगी, पेन ज़्यादा है। कोशिश तो इसकी भी है कि हाईवे से नीचे आ जाए, आगे से काफी आगे तक जाना पड़ेगा इसको। वही एक बार डॉक्टर को कॉल करके देखो, तो अंकल को बोला तो है कि गाय को सड़क से नीचे उतरवा ही दें क्योंकि यहाँ से उसको लाना पड़ेगा, बट उसकी हालत तो नहीं है चलने की, बट धीरे धीरे करके पुश करके एक बार हाईवे से नीचे उतार देंगे तो बचने की संभावना अच्छी रहेगी उसकी। वाह, देख कैसा लग रहा है, ये मेरे जितना सामान लेके चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? स्पीति। तो जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने और पंकज भाई ने ब्रेकफास्ट किया था वहीं पर रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो सुबह के लगभग 10:15 और मैं हूँ फिलहाल अम्बाला कैंट के बाद एक होटल पैराडाइज, एक रेस्टोरेंट है, और जो मेरी पिछले राइड थी जो पंकज भाई के साथ थी चांचालो ढोडरा कवाड़ वाली, तब भी हमने यहीं पर ही ब्रेकफास्ट किया था। तो मैं यहीं रुक गया फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए।
तो फिलहाल मैंने यहाँ से भी फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब यहाँ से आगे के लिए मूव करूँगा रामपुर के लिए, जो मेरा आज का टारगेट है, तो शिमला, नारकंड एंड देन रामपुर। और इसी बीच में मुझे अभी एक भाई मिल गए थे, मयूर भाई, जो नागपुर से आ रहे थे और उनको भी स्पीति जाना है, तो ब्रेकफास्ट उन्होंने मेरे साथ ही किया, बट अभी वो आगे के लिए मूव कर गए हैं, मैं थोड़ी देर और रुक गया हूँ। और एक चीज़ और कि अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो पीछे एक गाय इंजर्ड थी, उसके बाद दो तीन जगह डॉग्स को मार रखा था गाड़ी वालों ने, और लिटरली मैं वैसे तो ट्रैवल करने में, राइड करने में बहुत मज़ा आता है, बट ये मेरी ट्रैवलिंग का सबसे वर्स्ट पार्ट होता है, जब मैं देखता हूँ कि कोई बेचारा बेजुबान जानवर, कोई भी जीव अननेसेसरी सड़क पे मरा हुआ है या फिर गाड़ी ने ठोक दिया है। तेज़ चलो यार, इन्जॉय करो, इच्छोके सब ठीक है, बट इतना तो देख के चलो कि आपके कारण किसी को नुकसान ना हो और किसी को हार्म ना हो। मार देंगे, चले जाएंगे, कोई रुक के देखता भी नहीं है, तो सो प्लीज़ ध्यान रखिए, देखिए, और बस इतना ही कहना था। तो फिलहाल अभी अब वक्त है आगे के लिए मूव करने का, तो मैं यहाँ से निकलूँगा, तो अब नेक्स्ट ब्रेक मैं जो लूँगा वो कोशिश करूँगा शिमला के बाद ही लूँगा, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है और ट्रैवल काफ़ी करना है। तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं अभी पहुँच गया हूँ जीरकपुर, पर यहाँ काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रैफिक है, तो यहाँ थोड़ा लगेगा टाइम। एक तो बाइक में भी ज़्यादा कटिंग करने की गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो लगभग सीधा सीधा भी चलना पड़ रहा है, और जो मेरी एवरेज पेस है उससे थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि इतना सामान लेके पहले कभी राइड किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम इतना सामान लेके राइड कर रहा हूँ, और बट अब जाके थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। शुरू में तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि इतना सारा सामान बाइक पे लेके चल रहा हूँ, कैसा रहेगा। तो दोपहर के लगभग 1:20 और मैं अब पहुंचा हूँ सोलन। तो भाई आज इस रूट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो है और बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि टाइम से रामपुर तक पहुंच भी पाऊंगा। सर नारकंडा जाने के लिए यह शिमला वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? थोड़ा सा लंबा है पर अच्छा ही वाला। अच्छा ये वाला है, बच जाएंगे। हाँ जी, जाम से भी बच जाएंगे। तो इसमें जल्दी पहुंच जाएंगे? हटा लेना, इसका 5000 का चालान है। ये बंद है अभी, फिर भी हटा लेना। ये हटा नहीं सकते ऐसे, पूरा कनेक्शन है ना इसमें। आ रहा हूं मैं, तो छोड़ रहा हूं, कोई ना आगे फिर पकड़ लेगा आपको। ओके ओके, ऐसे भी करके कभी टाइम लगे तो हटा लेना। ठीक है, ये वाला बेटर है, थोड़ा सा लंबा है, 7-8 किलोमीटर ज्यादा है। ओके, थोड़ा जॉइंट पे टाइट है। ठीक है, अरे यहां भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा, जाम। ठीक है, थैंक यू। तो फिलहाल इस बार मैं शिमला को बाईपास कर रहा हूँ, एक रास्ता यहाँ से एक रास्ता कट रहा है नीचे वाला, ये जा रहा है, यहाँ से शिमला बढ़ेगा लगभग 12 किलोमीटर, और ऊपर वाले रास्ते में ट्रैफिक नहीं होगा, बट नारकंडा इजिली विदाउट ट्रैफिक और जाम के पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ता कुफरी जाके मिलेगा, तो शिमला पूरा बाईपास हो जाएगा। तो वापस मैं शिमला नारकंडा रूट पे आ गया हूँ, और जहाँ से मैंने बाईपास लिया था शिमला का, वहाँ से उस रास्ते ने मुझे लगभग कुफरी के पास पहुँचा दिया, और रास्ता बहुत बढ़िया है। तो वक्त है फिलहाल अभी लंच करने का, कृष्णा ढाबा। पहले पूछ लूँ के पास खाने में है क्या, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। खाने में कुछ होगा भैया खाने को? हाँ जी, और ठीक है फिर। तो फिलहाल कृष्णा ढाबा पे मैंने अभी किया लंच, और शाम के लगभग बज गए हैं 4, तो आज लंच हो गया काफ़ी लेट, और आज बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, क्योंकि रात को सिर्फ 2-2.5 घंटे ही सो पाया, तो उसका असर आज राइड पर है, और राइड बहुत स्लो भी हो गई आज, और साथ ही साथ अभी कोशिश तो थी आज की आज रामपुर पहुँच जाऊँ शाम तक, बट लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ से नारकंडा पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे,
और रामपुर अगर पहुँचना है तो लगभग 8-9 बज जाएंगे। ठियोग के बाद काफ़ी फर्क पड़ेगा क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो ठियोग तक ही रहता है। शिमला में तो ट्रैफिक रहता ही रहता है क्योंकि टूरिस्ट ही होता है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक होना ही होना। फिर ठियोग तक भी थोड़ा रहता है क्योंकि एक रास्ता नारकंडा निकल जाता है, एक निकल जाता है रोहडू के लिए। तो एक बार ठियोग क्रॉस हो जाए तो फिर ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ से बाइक को खींचने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से जो राइट टर्न है वो जाएगा रोहडू के लिए और मुझे जाना है सीधा नारकंडा और स्पीति। बस अब जो बचा बुचा ट्रैफिक था वो भी ख़त्म। तो शाम के 6:40 और मैं अभी फ़िलहाल पहुंच गया हूँ नारकंडा और यहाँ से मुझे फ़िलहाल जाना है अभी रामपुर। और रामपुर का डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है लगभग 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर। रात के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूँ रामपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय। ओके, ये तो बड़ी आइकॉनिक सी बिल्डिंग है यार, रामपुर दाखन है तो हिस्टोरिकल है रामपुर तो यार। तो भाई ये रूम लिया मैंने यहाँ पर रामपुर में, लगभग मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ गया। ठीक है, रात निकालनी है, कल मॉर्निंग में फिर वैसे भी निकल ही जाऊँगा। तो ठीक है, सामान सारा मैंने यहाँ सारा नीचे में रख दिया है, जैकेट्स वगैरह यहाँ रख दिया है, उसके साथ ही जितने भी गैजेट्स हैं वो चार्जिंग के लिए यहाँ लगा दिए हैं, वन बाय वन सारे चार्ज कर लूँगा। तो फ़िलहाल रात के लगभग 10 बज रहे हैं और मैं हूँ फ़िलहाल अपने होटल के रूम में और एक भैया मुझे, मयूर भाई थे जो मुझे दिल्ली वाले दिल्ली करनाल बाईपास वाले हाईवे पे मिले थे, तो वो मुझे होटल में मिल गए तो उनके साथ मैंने अपने होटल का रूम शेयर कर लिया। कल अर्ली मॉर्निंग का हमारा प्लान है रामपुर से, कहाँ जाना है कल, रामपुर से जाना है नाको तक और नाको एक्सप्लोर करेंगे। कल से जो भी मेरी राइड्स रहेंगी बहुत स्लो राइड करेंगे, इजी राइड करेंगे और बस आज तक का ही थोड़ा खींचने वाला काम था, उसके बाद कल थोड़ा इजी रखेंगे।